कैंसर से जंग लड़ रही हिना खान काम से लेकर सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव हैं। कीमो का दर्द भुलाकर हिना खान फिलहाल अपनी लाइफ को एंजॉय करने में लगी हैं। इसी बीच एक्ट्रेस को अपने बालों की खूब याद आ रही है। भले ही हिना ने अपना सिर मुंडवा लिया हो, लेकिन अपने शौक पूरा कर रही हैं। फिर चाहे दिवाली पर मधुबाला की तरह सजना हो या फिर विग पर हेयर कट करवाना हो। दरअसल हिना ने एक लेटेस्ट वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसमें वो अपने विग पर हेयर कट करवाती नजर आ रही हैं। वहीं उन्होंने कैप्शन में लिखा, विग है तो क्या हुआ, हम एक अच्छे हेयर डे को बर्बाद नहीं कर रहे। शुक्रिया धवेश हेयर रिजॉर्ट, एक प्यारे और अद्भुत व्यक्ति होने के लिए। आप मेरे बालों को छूने से ज्यादा मेरे दिल को छूते हैं, साथ ही ना जो मेरे बालों और जीवन को हमेशा ब्राइटर बनाते हैं। मेरे साथ हमेशा रहने वाले दुआ। इसी वीडियो पर फैंस ने रिएक्शन दिया। एक ने लिखा स्ट्रॉन्ग गर्ल, दूसरे ने लिखा स्टे स्ट्रॉन्ग प्यारी, अल्लाह आपको बहुत जल्द सेहत याब करेंगे, आमीन। एक ने लिखा आप बहुत प्यारी हो मैम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बिना बालों के भी प्यारी हो। एक यूजर ने लिखा वाओ आप सच में ब्रेव गर्ल हैं, आपके लिए ढेर सारी दुआ। दूसरे यूजर ने लिखा क्वीन होने का कारण है। तीसरे यूजर ने लिखा स्टे स्ट्रॉन्ग हीना, आपके हेयर इससे भी स्मार्ट होंगे। इससे पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है, एक्ट्रेस हिना खान ने दिवाली पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर की, जिनमें हिना की मुस्कुराहट देख फैंस भी खुश हो गए। उन्हें दिवाली पार्टी में भी देखा गया था, जहां उन्होंने पेप्स से पूछा कैसी लग रही हूं मैं, तो पेप्स ने कहा बहुत अच्छी, तो हिना शर्माने लगती हैं। बता दें कि बीते दिनों हिना खान मालदीव के वेकेशन के लिए पहुंची थी, जहां हिना ने फुल एंजॉय किया, स्कूबा डाइविंग, घुड़सवारी और पूल पर जमकर मस्ती की। मालदीव वेकेशन की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट कर हिना ने कहा था कि अब मैंने जीना सीख लिया है, हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। इसके बाद हिना को अपने दोस्त की फिल्म दो पत्ती की स्क्रीनिंग पर देखा गया, जहां हिना ने उन्हें जोरदार झप्पी दी और पेप्स ने कहा दुआ में याद रखना। बता दे कि इस मुश्किल घड़ी में हिना के क्लोज फ्रेंड उनके बॉयफ्रेंड रॉकी और माँ का पूरा सपोर्ट है, मगर हिना को कहीं ना कहीं अपने पापा की कमी खलती है। एक्ट्रेस ने अपने डैड को मिस करते हुए इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की। इस तस्वीर में एक छोटी सी बच्ची अपने पिता के साथ है। उस फोटो पर लिखा हुआ था जिंदगी ने जो सबसे मुश्किल पाठ सिखाया है वो आपकी कमी। आपकी याद आती है और मेरे गालों से आंसू टपकने लगते हैं। आपको बता दें कि साल 2022 में हिना के पापा का निधन हुआ था, इसलिए इस तस्वीर के साथ भी हिना ने लिखा हुआ है अनफिनिश्ड 2022। और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।